दोस्तों जब भी हम हिस्ट्री के ईयर्स को देखते हैं तो हमें उनके साथ AD, CE, BC, BVE जरूर देखने को मिलता है, जो कि सेम नंबर होने के बावजूद अलग अलग ईयर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा और मैं अपने चैनल इनफाइनाइट हिस्ट्री पे हिस्ट्री की वीडियोस को मॉडर्न एडिटिंग के साथ बनाने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो चैनल विजिट जरूर करना। तो चलो बिना किसी देर की ये वीडियो शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों ADBC समझने से पहले हमें सबसे पहले जीसस क्राइस्ट के बारे में जानना होगा। तो दोस्तों आज की डेट में एग्जैक्ट कोई नहीं जानता कि जीसस क्राइस्ट का जन्म कब हुआ था। हिस्टोरियन का यही माना जाता है कि उनका जन्म 0 ईयर के आसपास हुआ था और इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी को ध्यान में रखते हुए एक रोमन मॉन्क डायनीसियस ने क्रिश्चियन कैलेंडर को इन्वेंट किया, जिसमें उन्होंने इस 0 ईयर के पहले के समय को BC यानी बिफोर क्राइस्ट कहा, हिंदी में इसे ईसा पूर्व भी कहते हैं, और इसी ईयर के बाद के समय को AD यानी एन्नो डोमिनी कहा, जो कि एक लैटिन वर्ड है, हिंदी में इसे ईश्वी भी कहते हैं। अब इन ईयर्स के नंबर में भी कुछ कॉन्सेप्ट है, जैसे BC यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो समय है उसके ईयर्स हायर नंबर से लोअर नंबर की ओर जाएंगे, यानी वो डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेंगे, और उनके जन्म के बाद के ईयर्स लोअर नंबर से हायर नंबर तक जाएंगे, यानी असेंडिंग ऑर्डर में रहेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल देख लो कि मान लो तुम 2023 में हो तो तुम्हारा नेक्स्ट ईयर क्या होगा, 2024। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम 2023 BC में हो और तब तुम्हारा नेक्स्ट ईयर क्या होगा, 2022 BC। आई होप दोस्तों कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आता है CE और BCE का। अब दोस्तों इसी बीच कई लोग थे जो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के कैलेंडर को नहीं मानना चाहते थे, तो उनके लिए इस AD की जगह पर CE यानी कॉमन एरा रखा गया और BC की जगह पर बिफोर कॉमन एरा रखा गया, यानी ये पूरा सेम था, कोई अंतर नहीं था, सिर्फ वर्ड्स के अंतर थे। दोस्तों कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर कर देना, आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है। और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।